नमस्कार और आपने लॉग इन किया है रेसलिंग न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो गाइज इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए एक बड़ी प्रिडिक्शन। जी हाँ, इस एपिसोड में हम बात करेंगे द शील्ड को लेकर कि क्यों हेल इन ए सेल में द शील्ड बनने वाली हैं टैग टीम चैंपियन। तो गाइज हेल इन ए सेल में सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज का मुकाबला डॉल्फ जिगलर और ड्रू मैकइंटायर के साथ होने वाला है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर मेरे मुताबिक लगभग तय है कि द शील्ड हेल इन ए सेल में रॉ टैग टीम चैंपियन बन जाएगी, यानी यहाँ पर सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज की जीत पक्की है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। डेव मेल्जर ने कुछ समय पहले रिपोर्ट में बताया था कि WWE द शील्ड को लेकर अभी भी वही प्लान चलने वाले हैं जो उन्होंने द शील्ड के लिए 2017 में तैयार किया था। तो उस वक्त द शील्ड टैग टीम चैंपियन थी, लेकिन डीन एम्ब्रोज की इंजरी के बाद भी WWE के वही प्लान रहे थे, जहां पर डीन एम्ब्रोज की जगह जेसन जॉर्डन को रखा गया, लेकिन फिर जेसन जॉर्डन भी इंजर्ड हो गए और अब WWE द शील्ड को लेकर फिर से वही प्लान आगे बढ़ाने वाली हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि WWE ने अचानक अपनी स्टोरी लाइन में चेंज किया और डॉल्फ जिगलर और ड्रू मैकइंटायर को रॉ टैग टीम चैंपियन बना दिया, ताकि द शील्ड को एक बार फिर अपॉर्चुनिटी मिल सके चैंपियन बनने की। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर द शील्ड की जीत पक्की है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।